पहुंचे हैं और हमारा पहले इन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि चंबा प्रेस क्लब के 3 साल जो हैं पूरे हो चुके हैं, तो आज ये स्थापना दिवस के रूप में ये सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था उसका भी 1 साल आज पूरा हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में हम चंबा के उन नगीनों को आज सम्मानित करेंगे जिन्होंने यहाँ अभी हाल ही में जो कठिन परिस्थितियों में अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य किया है, क्योंकि अभी बर्फबारी के दौरान ही इनकी जो कार्यशैली देखने को मिली है उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो है हमारे चंबा के जो डीसी चंबा है विवेक भाटिया जी, उन्होंने जिस तरह से इन परिस्थितियों में काम किया है वो सराहनीय है। इसीलिए आज हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि उन्हें कुछ सम्मानित किया जाए। तो अब मैं दीपक जी से निवेदन करता हूं कि मंच की कार्यवाही शुरू की जाए। प्रस्ताव के पहले सम्मान समारोह में आज की मुख्य अतिथि श्री डी एस ठाकुर जी, चेयरमैन जिला मार्ग कमेटी चंबा, विशेष अतिथि श्री विवेक वाडिया जी डी सी चंबा, डॉक्टर मोनिका एस पी चंबा, ओंकार सिंह जी आर टी ओ चंबा, पवन शर्मा जी एक्सिम बिजली बोर्ड, डॉक्टर मानिक, डॉक्टर संजय, इन सभी का समारोह में आने पे प्रेस क्लब स्वागत और इनका धन्यवाद करता है। महोदय, हम आपको बता दें कि चंबा प्रेस क्लब की स्थापना आज से 3 वर्ष पूर्व 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। शुरुआती दौर में इसके केवल 17 सदस्य थे जो आज बढ़कर 43 हो चुके हैं। 3 वर्ष पूरे होने पर चंबा प्रेस क्लब ने सम्मान समारोह का आयोजन करने का फैसला लिया और इसमें यह भी फैसला लिया गया कि जिन लोगों ने समाज और प्रशासनिक कार्य में बेहतर कार्य किया है उनको एक मंच पर सम्मानित किया जाए। ये सोच हमारे मुख्य संरक्षक श्री बी के प्रासद जी, प्रधान विनोद कुमार जी और महासचिव हेम ठाकुर जी की रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी सोच रखी जिससे चंबा जिला में ये एक बढ़िया पहल जो है चंबा प्रेस क्लब की ओर से हुई है। मैं चंबा प्रेस क्लब के पहले सम्मान समारोह के इस अवसर पर मुख्य अतिथि सम्माननीय जिला मंगल कमेटी अध्यक्ष डी एस ठाकुर, विशेषातिथि उपायुक्त श्री विवेक भाटिया जी, एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका पटोंगुरु जी, आरटीओ चंबा श्री ओंकार जी, बिजली बोर्ड के एक्सीएम पवन शर्मा जी का, डॉक्टर मानिक, डॉक्टर संजय जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। चंबा प्रेस क्लब का ये सौभाग्य है कि हमें आप सभी ने समारोह में गरिमापूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाकर हमें कृतार्थ किया है। निश्चित तौर पर आपकी उपस्थिति से चंबा प्रेस क्लब को भविष्य में इस तरह के आयोजनों के लिए मार्गदर्शन और नई ऊर्जा मिलेगी। चंबा प्रेस क्लब की इस पहल का उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य कर समाज के प्रति अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने वाले अधिकारियों को सम्मान देकर न केवल सम्मान देना है बल्कि प्रोत्साहित करना है ताकि समाज और व्यवस्था में अन्य को भी प्रेरणा मिल सके। मैं एक बार पुनः सभी गणमान्य अतिथियों का समारोह में उपस्थित दर्ज करवाकर चंबा प्रेस क्लब की हौसला अफजाई के लिए दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। मुख्य संरक्षक श्री बी के प्रासद जी से कि वो मंच पर आए और सभी सदस्य शिवानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एसपी चंबा को बैच लगा के सम्मानित करें। और सुनील जी, सभी अतिथियों को बैच बनाए आगे
प्याज लगाने की रस्म अदा की जा रही है। इसी बीच मैं चंबा प्रेस क्लब के मुख्य संरक्षक श्री वी के प्रासो जी से की ओर मंच पर आए। तालियों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये सम्मान समारोह है, उसमें लगना चाहिए कि उत्साह काफी है। आगे के मंच संचालन के लिए हमारे बड़ा भाई मुख्य अतिथि श्री रिया साकर जी, हमारे आमंत्रण में जिन्होंने आज हमारे प्रेस क्लब के सम्मान समारोह में आने का कष्ट किया, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि वो इस अवसर पर आए और हमारी शोभा बढ़ाए। इसके साथ ही वर्दे डिप्टी कमिश्नर ऑफ चंबा श्री विवेक वाटिया जी, आईएएस वर्दे डॉक्टर मोनिका भटुंगरो, आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हमारे आदरणीय अतिथिगण श्री पवन शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एचपीएससीबीएल श्री ओंकार सिंह जी, आरटीओ चंबा डॉक्टर संजय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मणिक सहगल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा श्री रवि वर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर चंबा, और चंबा प्रेस क्लब के एक बहुत बड़े शुभचिंतक साजिद खान जी, स्वागत करते हो कि आपने हमारे मातर निमंत्रण से यहाँ आना स्वीकार किया, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है। चंबा प्रेस क्लब एक प्रोग्रेसिव प्रेस क्लब है। मैं प्रेस क्लब में आयु में भी बड़ा हूँ, तो आमतौर पर मुझे चंबा प्रेस क्लब के मेरे कुलीग जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने पूरा समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, और मेरे से हमेशा कभी मार्गदर्शन के बारे में पूछते रहते हैं। जब भी कोई सकारात्मक कार्य करना होता है, कोई भी सकारात्मक पहल करनी होती है, तो मुझे ये जरूर पूछते हैं, मेरा मार्गदर्शन लेते हैं। मैंने इनको सिर्फ एक बात कही थी
कि फाइंड गुडनेस इन अदर्स, सिर्फ एक बात कही थी, फाइंड गुडनेस इन अदर्स, और उन्होंने मेरी बात को एकदम सहज स्वीकार किया। कहते इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें। फिर उसके बाद इन्होंने खुद इसका आविष्कार किया कि हम अब क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ जिला प्रशासन में, जिला के अधिकारी में, क्या हम अच्छी चीज़ को सामने ला सकते हैं। फिर प्रेस क्लब में निर्णय लिया गया कि हम जो हमारे बड़े पुशिंग ऑफिसर हैं, जो जनता की हर तरह से दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम करेंगे, और उसी उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह रखेंगे। और इसलिए इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारे इस समारोह में जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर, वर्दी एसपी साहिबा, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हमने बुलाए हैं, वैसे तो ये उसी टाइम सम्मानित हो गए थे जब इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया था, ये उसी टाइम सम्मानित हो गए थे जब इनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पास आउट किया गया था, उसी टाइम सम्मानित हो गए थे। मगर हमारी भी एक भावना है, हम भी चाहते हैं कि हम जिले की जनता को इस बात का आवाज करवाएं, हम भी, हमारी भी भावना है, हम भी भावुक भी हैं, हम कि उनको बताएं कि नहीं वाकई ये काम हो रहा है और इस काम की एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, और उस रिकॉग्निशन को देने के लिए हमने समाज समारोह कर रखा है। और बोलने बोलने में मैं थोड़ा, मुझे भाषण देने तो नहीं आता है, चलो लिख लेता हूँ, जितना फास्ट लिख सकता हूँ मैं अच्छा, बट फिर भी मैं भावुक हो जाता बोलती बात। जब भी हमारे डीसी साहब हैं, एसपी साहिबा हैं, इंजीनियर्स हैं, आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, जो भी है, मगर ये जो क्राउन है, मैंने भी बहुत सारे डीसी एसपी से काम किए हैं, जो मेरे, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो चीफ सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रिटायर हुए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई उनका ग्रीटिंग्स आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं खुश भी होता। तो वो उनसे मेरा एसोसिएशन रही है, तो वो कहा करते थे, कहते यहाँ हम आते जाते रहते, यहाँ जो किंग और क्राउन बड़ा डिफरेंस है, क्राउन ये फॉर एवर रहेगा यहाँ पे, और ये ऐसा क्राउन है डीसी एसपी का कि जब मैं भी कभी मणिमहेश जाऊँगा तो मैं यही फ़ोन करूँगा, इसी 222-22-22-42 पर मैं फ़ोन करूँगा, और इसी यहाँ पे 22-48-47 पर मैं फ़ोन करूँगा, और उन्होंने कहोगे भी मुझे भी मणिमहेश दिखा दो। ये उन्होंने मुझे क्राउन की इम्पोर्टेंस बताई है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज सभी ऑफिसर्स बड़े युवा हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, डायनेमिक हैं, वो आए हैं, बड़ी खुशी होती है। और मैं ये फील करता हूँ कि ये क्राउन ऐसा है कि डिप्टी कमिश्नर हो, एसपी साहिबा हो, जो भी ये हेड होते हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट के, तो इनमें इनकी आयु नहीं देखी जाती है। डीसी साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड है, हमारे कस्टोडियन हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होता है एक पास जाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, सर हमें हेल्प मदद की। तो इस तरह, इसलिए मेरा मतलब कि हम सम्मान में ये बातें भी प्रेस क्लब में डिस्कस करते हैं कि इस बाकी ये सम्मान दिए जाना चाहिए, इन्होंने इतना जो है उत्कृष्ट कार्य जिले के लिए किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सभी माननीय मुख्य अतिथि से लेकर के सभी अपने, हमारे जिनको हमने सम्मानित करा, सभी अतिथियों और मेरे जो प्रेस के कोलीग्स हैं, उन सभी का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस अवसर पे, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बाद सम्मान समारोह के पहले चरण में मुख्य अतिथि व दो विशेष अतिथियों को सम्मानित करने की रस्म अदा की जाएगी। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री वी एस ठाकुर जी से कि वो डाइस से बाहर आए, उन्हें सम्मानित किया जा सके।
पब्लिक रिलेशंस और प्रेस, ऐसे दो परिवार हैं जिनका एक साझा चूल्हा होता है। तो मेरी ये खुशनसीबी है कि आज मैं चंबा प्रेस क्लब के इस
पहले सम्मान समारोह में मौजूद हैं और इसमें हमारे सम्मानीय श्री डी एस ठाकुर जी, अध्यक्ष जिला मार्केट कमेटी, सम्मानीय डी सी साहब, एसपी मैम, अन्य सभी जो आज हमारी विभूतियाँ हैं जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हम सब की जिंदगी में चाहे सम्मानीय डी एस ठाकुर जी हों, डी सी सर हों, एसपी मैम हों, या हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या हमारे सभी मीडियाकर्मी हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मैं अपनी मेरी एक गजल है सरकारी नौकरी में आने से पहले, ये मेरी गजल है और मैं समझता हूँ कि शायद हम सब से इसका कुछ रابطہ रहता होगा। और ये गजल है कि वक्त अच्छा हो या बुरा, वक्त अच्छा हो या बुरा, बीतता तो है, कोशिशें जो करता रहे वो जीतता तो है। खुशियां ही नसीब हों जिंदगी में ऐसा कहां, खुशियां ही नसीब हों जिंदगी में ऐसा कहां, हर कोई बाजारे कम से कुछ खरीदता तो है। घर सूरज को बना है आज तो क्या हुआ, आसमान नीला है सूरज है, घर सूरज को बना है आज तो क्या हुआ, वही आसमां फिर जमीन को सींचता तो है। तो ये मेरी गजल के तीन शेर हैं, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभी हमारे जो यहाँ अतिथि मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ चंपा प्रेस क्लब की ओर से, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि हमारे सम्मानीय अधिकारियों में पीजी सिंह ठाकुर जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, हम चंपा प्रेस क्लब की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सम्मान समारोह की दूसरी कड़ी में मैं बोलना चाहूंगा ऐसे आए और अपना सम्मान पाए, मेरा आग्रह रहेगा तो आज ही से जो आकर पाकिस्तान को सम्मानित करें। टाइप से बाहर आकर अपना सम्मान करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे प्रेस क्लब चंबा के पूर्व प्रधान योगेश मोहनपुर जी और मुकेश वाला योगेश मोहनपुर जी। उन्हें सम्मानित करेंगे भीम सिंह ठाकुर जी, प्रेस क्लब चंबा के महासचिव।
अंत में कुछ बोल सकते हैं। ठाकुर जी, चेयरमैन APMC चंपा, हमारे SP मैम मोनिका जी, साथ में हमारे जीत सिंह ठाकुर जी, DPRO साहब, पर हमारे RTO साहब, डॉक्टर साहब, समस्त हमारे एक्शन साहब बैठे हैं, हमारे सभी जितने तमाम प्रबुद्ध जन जो आज इस डायस की शोभा बढ़ा रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज के इस खास समारोह के जो हमारे आयोजन करता है आज ये प्रेस क्लब चंबा, और जिनके सबसे सीनियर जो टीम है हमारे प्राशर साहब, विनोद जी, और हमारे अब सभी का नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, बट हेम सिंह ठाकुर जी बैठे हैं, आप सबके पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप की कसौटी पे मैं खरा उतर पाऊँ। हमारे देश के चार पिलर जिसको हम कहते हैं, प्रथम पिलर जो सबसे ऊपर वो पॉलिटिकल क्लास है, जिसको लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, थर्ड पिलर जुडिशरी, और जो चौथा स्तंभ जो सबसे जो तीनों स्तंभों को शायद लिंक भी करता है, जोड़ता भी है, मजबूत भी करता है, और एक कड़ी में भी पिरोता है, वो आपका स्तंभ है। और जाहिर तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका जो रोल है, कई बार आपके साथ हमारी गुफ्तगू ऑफिस में होती रहती है, और आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ किसी चीज़ को उजागर करते हैं, उसका एक संदेश जो है सबसे ज़्यादा जो है समाज में फैलता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है, कोई भी एग्जीक्यूशन है, कोई भी निर्णय है, वो जब तक आपके कलम से या आपकी अलग अलग माध्यमों से, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया भी एक तरह से न्यूज़ का वो बन गया है, तो जो आपकी कलम से जो एक वो जो एक कहावत है, पेन इज माइटियर देन सोर्ड, जब आप एक माइटियर पेन से कोई चीज़ बता देते हैं तो सारे लोग उसको बड़े ध्यान से समझते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जो आप सामाजिक चेतना के निर्माण में कार्य करते हैं वो अद्वितीय है। आपकी तरफ से हमेशा इस तरह के कार्य जो है होते आए हैं, जैसे चाहे वो दैनिक जागरण की तरफ से एक बार नशा निवारण का था, जो मुझे याद आ रहा है, अग्निहोत्री जी हमारे करते रहते हैं, एक बार ITI में आपने बुलाया था, महिला सशक्तिकरण के लिए आप करते रहते हैं, स्किल ट्रेनिंग के लिए करते रहते हैं, तो मैं सबको, आप सबकी तरफ से जो है, अब क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच के माध्यम से आपने इतना अच्छा संदेश नशे के खिलाफ दिया था, उसमें भी हार जीत चलती रहती है, अब हो सकता है कि अभी एक और मैच जल्दी हमारे बीच में हो, बट सबसे अच्छी बात यह, या मिंजर हो या कोई भी है, सबसे अच्छी बात यह है जो आप चंबा का सारा मीडिया है, चंबा का जो सारे हमारे प्रेस है, वो मैं कहूँगा कि आज तक मैं जितने ज़िलों में रह चुका हूँ उसमें आप सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और आप हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं। ना सिर्फ मैं आपके अखबारों के माध्यम से देखता हूँ, आपके जो पर्सनल पोस्ट भी होते हैं, मैं काफ़ी आप में से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सज्जन हैं, विशिष्ट जन हैं, वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आपकी वैसे भी जो देखता रहता हूँ, आप किस तरह से समाज को कि उनको उजागर करते हैं, मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और कई तरह के मुद्दे हैं जो आपके हमारे तरफ, हमारे आपके बीच में डिस्कस होते रहते हैं, आपकी भी कुछ समस्याएं होती हैं, हमारी तरफ से भी पॉजिटिव रोल रहता है, आपकी तरफ से भी पॉजिटिव रोल रहता है, इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ जो है वो क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिविटी के साथ सब आगे बढ़ता है, सकारात्मक रवैये के साथ। तो आज मैं पुनः मैं अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आपको बताऊं कि अपने लेवल पे जो मेरी थ्योरी है वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जो काम हो जाए, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक मन निश्चल है, और जब तक हमारे प्राण हैं, जब तक हम जी रहे हैं और भगवान ने मौका दिया है, हम सोचते हैं कि जितना इसका लाभ उठाया जा सके वो हम उठाएं। अब मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि अगर बड़ा आसान है कि अगर हम अपने घर में रहें और भगवान ने सब कुछ दिया है, वो अपार कृपा है, तो अपने आराम से बैठें, बट एक ऐसी जगह पे हमें बिठा दिया है कि हम बैठ नहीं सकते, उसका कारण ये है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी हुई, जो आप ये अभी डिस्कस कर रहे थे, प्राशा साहब कह रहे थे कि वो बैठा नहीं जाता, कई बार लोग बोलते हैं कि आप आराम से बैठ जाया करो, कि आप धीरे 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 चले रहा करो, बट हमारे से बैठा नहीं जाता। अभी जो लेटेस्ट है जो आपके चंबा के मीडिया की तरफ से,
जैसे नकल के लिए जो आपकी रिपोर्टिंग हुई उससे देखिए आप इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे मैं कहूँगा स्टेट में नहीं बाकी स्टेट्स में भी इसका हो रहा है। और ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ जो हम इस तरह से अगर बढ़ते जाएंगे तो ये धीरे 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 आप देखेंगे चेंज सामाजिक बदलाव कैसे आए। आपकी तरफ से साफ सफाई के मुद्दों को उठाया जाता है, आपकी तरफ से नशे के मुद्दे को उठाया जाता है, ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे सामाजिक बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनको ना उठाया जाए तो ऐसा नहीं हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छा कर रहा है, बट एक सामाजिक तौर पे आप हेल्थ का आप इतनी ज़्यादा उठाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अगर बताया जाता है कि हॉस्पिटल में ये दिक्कत आ रही है तो वो दिन रात कभी ना कभी मेरे को बताया जाता है कि वहाँ दवाइयों की कमी है या नहीं कमी। तो इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से साधुवाद भी देता हूँ। और मैं सच बोलूँ तो मेरे को बड़े कम अवार्ड मिलते हैं। आप देखिए कितने अवार्ड हैं मेरे हाथ से, इसीलिए मेरे जो भी जिला रहा उसमें कोई अवार्ड वोट कभी नहीं मिलता। पर इसका मेन बात यह है कि मैं अवार्ड के लिए कभी काम करता भी नहीं। और ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इस लायक समझते हैं। और कुछ ना कुछ जितना हम कर सकते हैं आप भी करें हम भी करें जितनी जितनी जिसकी वो है। ये अपने आप ये जो एक नया चंबा की जो बात निकली थी पिछले मिंजर में तो ऐसे निकल गई थी दिल से, ऐसे नहीं वो आप भी साथ ही बैठे थे कुछ लोग जो नया चंबा का था। कई लोगों ने प्रश्न किया कि क्या पुराना चंबा खराब है, फिर अब मेरे पास जवाब नहीं था, दिल से निकल गया था। अब ये वो आर्टिस्ट एक लगाए उन्होंने वहाँ पे भी छाप दिया, मैंने कहा चल छाप दिया। पर बात ये है नया चंबा बोले नई सोच, तो जो नई सोच है नई सोच का मतलब ये सृजन। सृजन क्या है? जो 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 हमारी छोटी छोटी समस्याएं उनको कैसे हम दूर करें। ज़्यादा वक्त आप सबका नहीं लूँगा, बस मैं फिर से आपको तहे दिल से आभार करता हूँ कि जितना अभी तक का हमारा 9-10 महीने का जितना कार्यकाल रहा है, मैं हमेशा हर किसी से बात करता हूँ, जब भी बाकी भी मेरे दोस्त मिलते हैं मैं कहता हूँ चंबा का मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर आप हमारी बुराई भी करते हैं, आप हमारे कभी कमियों को उजागर भी करते हैं, हम उसको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लिखते हैं। और प्रेस का काम भी है, प्रेस का काम ये नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव लिखें। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर नेगेटिव लिखते हैं वो भी आपका बिल्कुल काम है, क्रिटिसिज्म भी आपका काम है, और हम उसको बड़े पॉजिटिवली लेते हैं और हम उसको अक्सर अपनी मीटिंग्स में भी कोट करते हैं। तो इसी तरह हमारा तालमेल बना रहे और इसी तरह हम आगे से आगे अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे ले जाते हैं। आप सबका पुनः दिल के आभार से शब्दों में नहीं ला सकते, बस दिल से कितना आभार फीलिंग्स को आप समझ लीजिए। आपका पूरे दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री डी एस ठाकुर जी से, चेयरमैन जिला भारत कमेटी चंबा, कि वो मंच पर आए और दो शब्द हमारे लिए कहें। डीसी चंबा श्री विवेक भाटिया जी, माननीय एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका डुंगरू जी, श्री ओंकार शर्मा जी आरटीयू चंबा, श्री जी सिंह ठाकुर जी अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा, पवन शर्मा जी अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड चंबा, श्री रवि वर्मा जी जिला लोक संपर्क अधिकारी चंबा, डॉक्टर मानिक सैगल जी सहायक प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज चंबा, डॉक्टर संजय जी सीनियर रेजिडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट चंबा, शहीद खान जी और आज के जिनके सुजन्या से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे प्रेस क्लब के प्रधान विनोद कुमार जी पंजाब केसरी के जिला के प्रभारी भी हैं, हमारे आदरणीय बीके पराशर जी ट्रिब्यून जिला प्रभारी चंबा, शिव शर्मा जी जी न्यूज जिला प्रभारी चंबा, सुजीत ठाकुर जी हिमाचल न्यूज 24/7, योगेश महेंद्रू जी दैनिक सवेरा जिला प्रभारी, दीप शर्मा जी दिव्य हिमाचल जिला प्रभारी, सुभाष शर्मा जी अमर उजाला जिला प्रभारी, मेरे छोटे भाई स्वामी भेटा जी हिमाचल दस्तक चंबा ब्यूरो, सुरेश ठाकुर जी दैनिक जागरण ब्यूरो चंबा, हेमराज ठाकुर जी न्यूज 18 जिला प्रभारी,
एमएम डैनियल जी, जिला हमारे मीडिया के प्रभारी असीन मलिक जी, हमारे सिटी चैनल के एस प्रेमी जी, खबर हिमाचल के और सभी हमारे मीडिया के बंधु हमारे बीच में मैडम जी बैठे हैं मीडिया के, इनका नाम का मुझे पता नहीं। मैं सभी का आज जितने भी हमारे प्रेस के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ बैठे हुए हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं प्रेस मीडिया चंबा को बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि सम्मान समारोह के इस अवसर पे आपने मुझे इस लायक समझा। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। मैं सबसे पहले चंबा प्रेस क्लब को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस सम्मान समारोह में पहली बार इतने बेहतर तरीके से इसका आयोजन किया। मैं प्रेस क्लब के प्रधान विनोद कुमार और क्लब के प्रत्येक हमारे सदस्य पदाधिकारी सभी को मैं बधाई देता हूँ। प्रेस क्लब समय समय पर समाज के मौजूद कुरीतियों को सामने लाने में, लोगों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो साथ में ही जन समस्याओं को उजागर कर सरकार का व प्रशासन के ध्यान में लाने का विशेष रूप से ये काम करते हैं। मैं अपनी ओर से जिला चंबा के सभी प्रेस के हमारे मीडिया के इंचार्ज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि जैसे डी साहब ने बताया कि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से ही सारी जानकारी मिलती है और इससे हमारा जो जिला चंबा पिछड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ आपकी जानकारी से सरकार के ध्यान में भी बातें आती हैं। वो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से जो जिला चंबा का विकास हो रहा है उसमें आपका विशेष योगदान है। मैं इस सम्मान समारोह में डीसी साहब, एसपी साहब और विभाग के हमारे एक्सएल साहब, आरटीओ साहब सभी को बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से जो जिला चंबा का विकास हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे डी साहब जब से आए हैं तो हमारा बैकपुर जिला भी है, शिक्षा के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। हमारे जिला चंबा में स्कूल तो काफ़ी हैं पर बिल्डिंगों का निर्माण नहीं है, तो इसमें डी साहब का बड़ा योगदान रहता है। कल भी मैं डी साहब से मिला था तो इन्होंने आश्वासन दिया कि जहाँ जहाँ स्कूलों के भवन नहीं हैं उनको जल्दी धनराशि स्वीकृत करा दी जाएगी, तो मैं धन्यवाद कर दूँगा डी साहब का भी और एसपी मैडम का विशेष तौर पर भी धन्यवाद करता हूँ कि जब से मैडम जिला चंबा में एसपी बतौर इन्होंने कार्यभार संभाला है तो हमारे नशे में जो नौजवान युवक की चपेट में थे तो इनके प्रयासों से काफ़ी कंट्रोल हुआ है। नशा जिला चंबा में काफ़ी केसेस ऐसे पकड़े गए हैं। मैं इस मन से मैडम जी को बधाई देता हूँ कि हमारे नौजवानों को नशे से आपने दूर रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, ये जिला चंबा आपका सदा आभारी रहेगा। साथ में ठाकुर साहब हमारे जी सिंह ठाकुर जी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता चंबा हैं, इन्होंने भी काफ़ी रोड्स का और नई रोडों का विकास किया है। एक्सएल साहब बिजली बोर्ड और हमारे विशेष तौर पर आरटीओ साहब बहुत ही ईमानदार और कर्मठ हैं, इन्होंने इनके प्रयासों से हमारे जितने भी नियम हैं, कानून हैं, उनको समय समय पर ये कैंप लगा के जागरूक करते हैं। मैं एक बार फिर तहे दिल से सम्मानीय मंच और सम्मानीय पत्रकार बंधु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये ऐसा ही सम्मान समारोह हर वर्ष आपके माध्यम से हो और हमारे बीच में जो भी यहाँ मुख्य अतिथि होगा उसको आपके समक्ष रखने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।
धन्यवाद ठाकुर साहब जी। अब मेरा आग्रह रहेगा चंबा प्रेस क्लब के प्रधान श्री विनोद कुमार जी से, जो मंच पर आए और समारोह में आए मुख्य अतिथि विशेष अतिथि व अन्य गणमान्य लोगों का धन्यवाद करें। जो सम्मान्य मुख्य अतिथि हैं और जो विशेष अतिथि हैं और अन्य अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करता है कि उन्होंने अपने व्यस्त समय दिन भर जन समस्याओं को निपटाने के बावजूद ये समय हमें दिया ताकि हम उनका सम्मान उनके कार्यों के आधार पर कर सकें। और चंबा प्रेस क्लब जो कि पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का श्रेय मैं डीसी चंबा विवेक भाटिया जी को दूंगा कि उन्होंने जो नया चंबा एक कंसेप्ट हमें दिया, उस कंसेप्ट ने हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि बतौर पत्रकार तो हम समाज के लिए अपनी भूमिका विभिन्न माध्यमों से निभाते रहते हैं, लेकिन जो अधिकारी जिला चंबा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए हमारा वर्ग क्या सोचता है और हमारे वर्ग ने उनके लिए क्या किया है, तो ये नई सोच हमें डीसी चंबा साहब के माध्यम से मिली है और इसी सोच से प्रेरित होकर आज हमने ये समारोह किया है। तो मैं सभी अपने अतिथियों का चंबा प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी चंबा प्रेस क्लब को ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में उनका भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। और साथियों से ये आग्रह है कि अब हम सब मिलकर होटल लीलावती की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि जो रात्रि भोजन का हमने कार्यक्रम रखा है अब उसको संपूर्ण किया जाए ताकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से पूरा हो सके।